क्या आप भी अपनी बालकनी में टेरेस पे फ्रूट प्लांट्स ग्रो करना चाहते हो और वो भी छोटे पॉट्स में, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको गुआवा पेरू के प्लांट्स कैसे स्मॉल पॉट्स में ग्रो करें, उसके लिए पॉटिंग मिक्स, फास्ट ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, फ्लावर्स और फ्रूट्स आने के लिए स्पेशल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, हेल्दी ग्रोथ्स के लिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स जो पेरू के प्लांट के लिए ज़रूरी है, सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पेरू का प्लांट एक ऐसा फ्रूट प्लांट है, अगर उसकी सही देखभाल की जाए तो वो साल भर आपको फ्रूट्स देता है। वैसे इनकी फ्रूटिंग का सबसे बेस्ट टाइम बरसात और स्पेशली विंटर का होता है। पेरू के प्लांट को हम चार तरीकों से ग्रो कर सकते हैं। पहला है सीड से, दूसरा कटिंग से, तीसरा एयर लेयरिंग से और चौथा है ग्राफ्टेड प्लांट को नर्सरी से लाके। बालकनी या टेरेस पे स्मॉल पॉट्स में पेरू के प्लांट को ग्रो करके उनसे ढेरों फ्रूट्स लेने के लिए सबसे बेस्ट तरीका थर्ड और फोर्थ है, यानी ग्राफ्टेड प्लांट नर्सरी से ले आए, या फिर कोई ऐसा पेरू का प्लांट जिसपे फ्रूट्स लगे हो या जिसपे फ्रूट्स आते हो उसकी एयर लेयरिंग ले आए। सीड से पेरू का प्लांट ग्रो करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उससे फ्रूट्स लेने के लिए 5 से 10 साल का इंतज़ार करना होता है। मेरे एक फ्रेंड के वहाँ सीड से लगा पेरू का प्लांट है जिससे 12 साल हो चुके हैं और बड़ी मुश्किल से 2 से 3 पेरू ही आते हैं। और कटिंग से लगे प्लांट को ग्राउंड यानी ज़मीन में लगा सकते हैं, लेकिन पॉट में उनकी रूट्स बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसीलिए कटिंग से लगे प्लांट में अक्सर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी रहती है जिससे उनके फ्लावर्स ड्रॉप होते रहते हैं और फ्रूट्स भी इतने बेहतर नहीं मिलते। इसीलिए मैं आप थर्ड और स्पेशली फोर्थ यानी नर्सरी से अच्छी वैरायटी का ग्राफ्टेड प्लांट लाने का ही सजेशन दूंगा। अब बात करते हैं पॉट में ग्रो होने वाली बेस्ट वैरायटीज की। लखनऊ 49 जिसको L49 भी कहते हैं, ये पेरू की एक सबसे बेस्ट वैरायटी है। हमारे महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश में ज़्यादा ग्रो होती है। इसका फ्रूट बहुत ही स्वीट, सीड्स बहुत ही कम और इसकी स्किन रफ होती है। अलाहाबाद सफ़ेदा ये बहुत ही फेमस वैरायटी है जो स्पेशली उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ग्रो होती है। इसके फ्रूट की स्किन बड़ी स्मूथ होती है, इनमें सीड्स भी बहुत कम होते हैं। इसका प्लांट बहुत ही कम मीडियम हाइट का होता है, ब्रांचेस ज़्यादा और ग्रोथ भी घनी होती है। लखनऊ के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चरल के ललित और श्वेता वैरायटी भी बहुत फेमस है। जैसे ललित के फ्रूट पिंक होते हैं और बहुत ज़्यादा स्वीट एंड टेस्टी होते हैं, और श्वेता जिसके फ्रूट्स बहुत ही हाई न्यूट्रिशियस होते हैं। और भी बहुत सारी वैरायटीज़ है, अगर मैं बताते जाऊँ तो ये वीडियो की लेंथ भी बड़ी लंबी हो जाएगी। तो मेरे पास ये रेड गुआवा की वैरायटीज़ है और दूसरे पिंक गुआवा की। मुझे ये नर्सरी वाले ने ललित वैरायटी कहा था, लेकिन इसके फ्रूट्स ललित नहीं रूबी सुप्रीम की तरह है। फिलहाल दोनों वैरायटी के फ्रूट्स बहुत ही स्वीट एंड टेस्टी है। अब बात करते हैं इनकी पॉटिंग मिक्स की। नर्सरी से लाने के बाद मैंने इन्हें ब्लैक पॉलीबैग में और मेरे सबसे बेस्ट पॉटिंग मिक्स में पॉट किया, जिसमें मैंने फाइन गार्डन सॉइल, जिसको फाइन करने के लिए मैंने गार्डन सॉइल को नेट की हेल्प से पहले छान लिया और साथ में 3 से 4 बार वॉश की हुई कोकोपीट और उसके साथ वर्मी कंपोस्ट, इन तीनों को इक्वल पार्ट्स में मिक्स करके यूज़ किया। आप चाहे तो सैंडी सॉइल प्लस रिवर सैंड प्लस कंपोस्ट, इन तीनों को भी इक्वल पार्ट में मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। रिजल्ट बहुत ही बेहतर मिलता है। पॉट करने के लिए क्ले पॉट, प्लास्टिक का पॉट या ग्रो बैग्स का यूज़ कर सकते हो। कम से कम 12 इंचिस का पॉट या फिर सबसे बेस्ट 16 से 24 इंचिस के पॉट यूज़ कर सकते हो। मैंने बाद में रेड थाई गुआवा को 16 इंचिस के प्लास्टिक के पॉट में और पिंक गुआवा को 12 इंचिस के क्ले पॉट में ट्रांसप्लांट किया। मैंने पॉट में बहुत सारे होल्स किए हैं जिसके बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बेनिफिट्स है। अगर आप वो सारे साइंटिफिक फैक्ट्स जानना चाहते हो तो आप मेरी गार्डनिंग का नंबर 1 सीक्रेट वाला वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ।
रिपोर्ट करते वक्त कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले ड्रेनेज बहुत ही बेस्ट रखें, जिसके लिए मैं ये ब्रिक चिप्स, जो घर बनाने में ईंटें होती है उसके पीसेस यूज़ कर रहा हूँ, और कम से कम 3 इंचेस का बॉटम में लेयरिंग कर रहा हूँ। इसके भी इतने सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स है कि मुझे इस टॉपिक पे 2 वीडियोस बनाने पड़े। उन दोनों की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। रिपोर्टिंग के 20 डेज तक इन्हें कोई खाद नहीं देनी है, बस वॉटिंग करनी है, वो भी सॉइल ड्राई होने पर। अब बात करते हैं इनकी ऑर्गेनिक फीडिंग की। आफ्टर 20 डेज अब मैं इन्हें फास्ट ग्रो करने के लिए और इनकी सारी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही दे रहा हूँ, वो भी एवरी नेक्स्ट डे ऑफ वॉटिंग, स्पेशली वेट सॉइल पे। अब ये लिक्विड फॉर्म में ही और वेट पॉटिंग मिक्स में फर्टिलाइजर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा करने से ये रूट्स में फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर का काम करते हैं और प्लांट्स की रूट्स इन्हें तेज़ी से अपटेक करती है और प्लांट्स बहुत ही जल्दी और बेस्ट रिस्पॉन्स करता है। देखिए इनकी अपडेट्स, इनकी हेल्दी ग्रोथ, और ये देखिए इनमें फ्लावर्स भी बहुत आए हैं, देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। कुछ दिनों में देखिए और भी बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं और पुराने फ्लावर्स ओपन हो गए हैं। इनके फ्लावर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं और आसानी से हवा से या हमारे पॉलिनेटर फ्रेंड से, बीज से पॉलिनेट हो जाते हैं और फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं। अब मैं इन्हें कंपोस्ट ही देने के अगले दिन बनाना पील वाटर दे रहा हूँ, जिससे इनकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के वक्त न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, क्योंकि बनाना पील्स में पोटाशियम का लेवल नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से 10 गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं ग्रोथ स्टेज पर बनाना पील वाटर का यूज़ नहीं करता, वरना हाई पोटाशियम की वजह से दूसरे न्यूट्रिशन पॉटिंग मिक्स में लॉक हो जाते हैं और प्लांट्स में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाती है। अब मैं जब तक इनमें से लास्ट फ्रूट हार्वेस्ट नहीं करता, तब तक बनाना पील वाटर एवरी नेक्स्ट डे ऑफ कंपोस्ट ही देता रहूँगा। अब साइंटिफिक तरीके से कंपोस्ट ही और बनाना पील वाटर कैसे बनाए, उसके पीछे का पूरा साइंस और बेनिफिट्स मैंने अपनी 2 वीडियोस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक पोटाशियम में बताया हूँ, उनकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं इनकी एक्स्ट्रा केयर की, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ। मैं हर वीक में एक बार अपने पेरू के प्लांट्स को तेज़ वाटर स्प्रे से वॉश ज़रूर करता हूँ। ऐसा करने से इनकी लीव्स स्टेम्स क्लीन रहते हैं, जिससे इनमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्रॉपर चलता रहता है और प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार करता रहता है और हमें कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ मैं वीक में एक बार इन पे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करता हूँ, चाहे इन पे पेस्ट हो या ना हो। ऐसा करने से इन पे पेस्ट का अटैक भी नहीं होता और इनकी हेल्दी ग्रोथ भी फास्ट होती है, जिसके लिए मैं नीम सीड ऑयल 1 ml 1 लीटर वाटर में कुछ ड्रॉप्स लिक्विड हैंड वॉश के मिक्स करके शाम के वक्त स्प्रे करता हूँ। मैंने इतने सालों में एक चीज़ नोटिस की है कि जिस प्लांट पे हम हर हफ्ते पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है कंपैरिजन में उन प्लांट्स के जिनमें हम कोई पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करते। अब बात करते हैं इनके फ्रूट हार्वेस्टिंग की, तो ये मेरा सबसे पसंदीदा काम है। जब इनके फ्रूट्स में से मीठी मीठी खुशबू आना शुरू हो जाए, तो समझ जाए कि आपके प्लांट्स के गुआवा पेरू बिल्कुल रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। हमें बस इन्हें राउंड घुमाना है और ये आसानी से हार्वेस्ट हो जाते हैं। घर के प्लांट पे उगे हुए पेरू का टेस्ट बाजार से लाए फ्रूट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्वीट और टेस्टी होता है और इनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप भी अपने टेरेस पे या बालकनी में पेरू का प्लांट ज़रूर लगाएं और मेरे इन मेथड को फॉलो करते हुए बड़ी आसानी से इनसे ढेरों फ्रूट्स भी लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी ये वीडियो पूरी देखी है और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।
तो मिलते हैं जल्दी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप भी गार्डनिंग सीखते रहे, सिखाते रहे और देखते रहे स्मार्ट गार्डनिंग।